बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने निर्देश के बाद सूबे में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कई मदरसों की मान्यता रद्द तो कई मदरसे निशाने पर है। मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सूबे की मोहन सरकार ने श्योपुर जिले के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी। आरोप है कि ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं किए जा रहे थे। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी, और चूंकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें, तो इस तरह के मदरसे स्कूल बंद हुए। सरकारी दावों के मुताबिक जांच में यहां तक पाया गया कि वहां कोई छात्र नहीं है, ना ही किसी को पढ़ाया जा रहा है, जबकि कई स्थानों पर तो स्कूल नहीं मिले। सरकार के एक्शन के बाद विपक्ष हमलावर है। 18 साल से ये मंत्री और पूरा प्रशासन सो रहा था क्या? इस विषय को लेके मैं मांग करता हूँ कि तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। दरअसल सरकार जिन संस्थाओं को अनुदान दे रही है, आदेश दिया गया कि वो क्या काम कर रही है इसकी जांच की जाए। इसके बाद विभाग हरकत में है। तो अभी ये कार्रवाई श्योपुर में हुई है, जहां 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है, और धीरे धीरे ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकती है।